हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बना रहे हैं ड्राई वाली पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी की हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि वो सॉगी हो जाती है और मुझे वो वाली नहीं अच्छी लगती, तो हम ये ड्राई सी भुर्जी बनाएंगे और साथ में ये ट्रायंगल वाला पराठा बनाएंगे जो राजस्थान में बनाते हैं बहुत। मेरे स्कूल लंच में बहुत हुआ करता था। सबसे पहले मैं बनाऊँगी पनीर, तो मैंने पनीर दही से बनाया है। बहुत सारे लोग विनेगर से बनाते हैं, कोई लेमन से बनाता है, मैं दही से बनाती हूँ क्योंकि उससे सॉफ्ट बनता है और सारे केमिकल्स अवॉइड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हेल्दी होता है। तो मैंने दूध लिया है, जितना दूध है उसका 50% मैंने दही लिया है। तो जैसे अगर 1 लीटर दूध है तो मैंने 500 ml उसके अंदर मैंने दही डाला है। बस फाड़ना है, वही तरीका है, पहले दूध उबाल लेना है। जैसे ही दूध उबलेगा उसके अंदर आपको दही डालना है, हल्का सा स्टर करना है और दूध और जो पानी है वो अलग हो जाएगा और आपका पनीर रेडी हो जाएगा। बस इसको आप एक कपड़े में निकाल लीजिए, कॉटन के, और निकाल के उसको रख दीजिए। अब क्योंकि इसमें भुर्जी बनानी है तो बहुत इसको हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस कपड़े में रख दिया था दबा के थोड़ी देर और ये इस तरह का बन गया है। तो मैं इसको ग्रेट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत देर मैंने नहीं इसका पानी निकाला था, हल्का सा पानी इसमें था, तो मैंने इसको चॉप कर लिया है बहुत छोटे छोटे से पीसेज में। और ये सॉफ्ट है, अगर मैं इसको हाथ से मैश करूँगी तो ये बहुत सॉगी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको नाइफ से बस थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है, अलग कर लिया है। प्याज काटे हैं एकदम बारीक से, इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक डाला है। बस हरी मिर्च डलेगी, मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं हरी मिर्च नहीं खाती हूँ, पर आप हरी मिर्च ज़रूर से डाल लीजिए इसके अंदर अगर आप खाते हैं तो, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इनफैक्ट ऊपर से लास्ट में डालो तो जो कच्ची हरी मिर्च होती है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। टमाटर के दो ऑप्शन हैं, एक तो आपको बीज तो निकालना ही निकालना है क्योंकि उससे आपका जो पनीर है वो सॉगी हो जाने वाला है, तो सबसे पहले उसका बीज निकाल दो ताकि पानी बिल्कुल अलग हो जाए टमाटर से। आप इसके छिलके भी निकाल लो अगर आपको पसंद नहीं है छिलके मुँह में आते, क्योंकि इसमें टमाटर बहुत देर नहीं पकेंगे। जो पनीर है ना उसके अंदर ना तो प्याज बहुत देर पकता है ना टमाटर बहुत देर पकता है, वरना वो सॉगी हो जाते हैं, इसलिए आप चाहो तो इसके छिलके भी निकाल लो। मैंने नहीं निकाला क्योंकि मैंने टमाटर की क्वांटिटी बहुत कम रखी है, मुझे टमाटर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, चाहे पनीर भुर्जी हो चाहे एग भुर्जी हो, मुझे बिना टमाटर के ही पसंद है। पर क्योंकि ये रेसिपी यूनिवर्सल है, सब लोग टमाटर डालते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा टमाटर डाल दिया इसके अंदर। सबसे पहले तेल डाला है मैंने, वही उसके अंदर सबसे पहले मैंने गरम मसाला डाला है। मैं हमेशा कोई भी सब्ज़ी में गरम मसाला शौक में डालती हूँ। फिर मैंने डाले हैं अपने कटे हुए प्याज। प्याज को तेज़ आंच पे पकाना है जिससे कि वो कच्चे ना रहें लेकिन वो बहुत ज़्यादा पक के सॉगी भी ना हो जाए। तो बेसिकली प्याज को सिर्फ हमें पकाना है, उन्हें ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, तेज़ आंच पे पकाना है, मीडियम आंच पे नहीं, कम आंच पे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम इसकी ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, ये फ्राइड अनियन। तो अनियन पकने के बाद अगर हम गार्लिक डालते हैं तो गार्लिक का फ्लेवर उतना नहीं आता है, हमें स्ट्रॉन्ग गार्लिक फ्लेवर नहीं चाहिए। गार्लिक जितना पकता है उतना उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, इसलिए मैंने गार्लिक और अदरक लास्ट में डाले हैं प्याज पकने के बाद। अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को बहुत सारा नहीं पकाना है, बस हल्के से वो खाने जैसे हो जाए और मुंह में एकदम कच्चे ना आए उतना ही पकाना है, इसलिए इनका छिलका निकाल लेना ऑप्शनल है लेकिन अच्छा आइडिया है। फिर मैंने डाली है बस लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक नहीं डाला मैंने अभी। नमक जब हम खाने बैठेंगे ना वो खाना सब्जी तब डालेंगे, वरना पनीर पानी छोड़ेगा। तो मैंने ये तीन मसाले डाल के अच्छे से पका लिया, पनीर डाल दिया ऊपर से। पनीर डालने के बाद एकदम हल्के हल्के हाथ से पका, नमक मैंने अभी भी नहीं डाला है। और बस जब गैस ऑफ करने के बाद मैंने पनीर डाला है, गैस ऑफ करने के बाद डाला है। पनीर को बहुत नहीं पकाना, जो हीट है ना मसालों के अंदर उसी से पक जाने वाला है आपका पनीर, उतना ही पकाने की ज़रूरत है। लास्ट में डाली है बहुत सारी कसूरी मेथी। नमक जब मैं थाली में परोसने के लिए बैठूंगी खाना तभी मैं डालूंगी, अभी भी मैं नमक नहीं डालूंगी। तो याद रखना खाना बना बस परोसने के पहले ज़रूर से नमक डाल देना, तो नमक बस खाने के टाइम पे डालना है। ये हो गई हमारी बिल्कुल रेडी पनीर भुर्जी ड्राई वाली, इसने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है अगर आप देख सकते हो तो भी, वो भी घर के पनीर से जो मैंने बहुत देर उसको पानी निकाला नहीं था तो भी। तो बना लेते हैं पराठा। मैंने गेहूं का आटा लिया है सिंपल सा, उसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, और जैसे आप रोटी का आटा गूंदते हो वैसे ही गूंदना है। बस इसको गूंदने के बाद थोड़ी देर रेस्ट होने दो 10-15 मिनट के लिए, उससे कोई भी रोटी किसी भी तरह की इंडियन ब्रेड आटा रेस्ट करने के बाद बहुत अच्छी बनती है।
तो बस इसको मैंने लगा दिया। इसका आपको टेक्सचर भी दिख रहा होगा नॉर्मल रोटी जैसा। बस अब इसको लगा के मैं 10-15 मिनट रेस्ट करने दूंगी और तब तक उतनी देर में हमारा तवा भी गर्म हो जाएगा। तो तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए जब आप पराठा बनाने वाले हो। तो बनाना शुरू करते हैं हमारा ट्रायंगल पराठा। मैंने इस आटे को दो हिस्सों में बांट लिया है। आपने जितना भी आटा लगाया है आप उस हिसाब से अपने अपना वो निकाल लीजिए जो पोर्शन है पराठे का। तो इसमें दो पराठे बन गए थे मेरे इस आटे में। ये मैंने गोल सी एक रोटी बनाई, उसके अंदर मैंने घी लगाया और इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया कि ये ट्रायंगल बन गया। ये देखो ऐसे और फिर एक बार ऐसे। बस अब इसको बेल देना है और ये ट्रायंगल शेप अपने आप ले लेगा। और तवे पे पकाना है। अगर आपको कुरकुरा पसंद है तो दबा के पकाओ, कुरकुरा पसंद नहीं है तो ऐसे ही पकाओ। बिल्कुल रेडी हो जाएगा पराठा। बनाना ज़रूर से मुझे बताना आपको कैसा लगा। और बाकी के सारे जाके वीडियोस भी देखो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच बाबा।